So hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about cotrimoxazole. It is a sulfonamide derivative. Okay, last lecture में हमने all examples देखे हैं sulfonamides के. This is the last drug. So what is the structure of cotrimoxazole? Then mechanism of action of cotrimoxazole, properties, uses and official preparation of cotrimoxazole. Okay, so first one, you want to know what is the structure of cotrimoxazole. Ab cotrimoxazole sulfonamide ka derivative hai, okay, but sulfone ka jo bhi compound hai, basic ring hai, wo isme iske structure mein nahi hai. ओके, इसका स्ट्रक्चर अलग है कोट्राइमेक्सेजोल का. सो सिंपल यहाँ पे 5 मेंबर रिंग ड्रॉ करना है, देन 2 बेंजीन रिंग अटैच्ड विद 1 कार्बन एटम. ओके, सो एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट. ओके, क्लोरो बेंजीन ग्रुप, क्लोरीन प्लस बेंजीन. सो दिस 2 आर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड विद सेंटर कार्बन, दिस कार्बन एटम. सो मिथेन, इथेन एंड प्रोपेन, थर्ड 3 कार्बन एटम्स एंड अटैच्ड विद 2 बेंजीन रिंग्स. ओके, so this is the basic and important structure of cotrimoxazole. So simple structure hai, okay, 2 benzene ring draw karna hai and then carbon se attach karna hai 2 substituent. One is a 2 nitrogen atom azha group plus 5 member ring azole to diazole. Okay, this is the diazole ring. Azole, why? Because 2 nitrogen atom, so suffix is a di azha and 5 member ring, so that's why ole. okay, prefix is a ole, so diazole sulfa डायाजोल प्लस क्लोरोबेंजीन रिंग. ओके, क्लोरोबेंजीन एंड डायाजोल ग्रुप अटैच करना है सेंटर वाले कार्बन को, राइट. एंड दिस 2 बेंजीन रिंग, ओके, वो भी कार्बन की जो भी वैलेंसी है 4 यहाँ पे अटैच है. क्लियर? सो दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ कोट्राइमेक्साजोल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ कोट्राइमेक्साजोल इज फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, गिव द शॉर्ट नोट ऑन कोट्राइमेक्साजोल. ओके, उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, देन स्ट्रक्चर प्लस ऑफिशियल प्रिपरेशंस एंड यूजेस. ओके, सो कोट्राइमेक्साजोल इज अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन विद अ ट्राइमेथोफ्रेम एंड सल्फा मेथोक्साजोल. ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कोट्राइमेक्साजोल. इट इज अ यूज्ड इन अ मल्टीपल ड्रग थेरेपी. ओके, सो इट इज कंबाइंड विद अ ट्राइमेथोप्रीम सल्फा मेथोक्साजोल. ओके, दीज 3 ड्रग्स इन अ कॉम्बिनेशन यूज टू ट्रीट as a bacterial antibacterial activity, okay, or antibacterial action. The next point, the 2 components of a cotrimoxazole interfere with a bacterial synthesis of a tetrahydrofolic acid. अब tetrahydrofolic acid क्या है? इसका एक enzyme है जो कि उसके जो भी mechanism of action है. okay, ये आगे देखने वाले हम mechanism of action of cotrimoxazole. so टेट्राफोलिक एसिड. अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कोट्राइमेक्साजोल का? स्टार्टिंग में पाबा मीन्स पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड विथ फोलेट सिंथेस. ओके, फोलेट सिंथेस मीन्स अब ये सल्फोनामाइड यहाँ पे फोलेट सिंथेस एंजाइम फॉर्म करेगा, देन इट फॉर्म DHFA मीन्स डाईहाइड्रोफोलिक एसिड. ओके, देन अगेन रिएक्ट विथ एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम. अब स्टार्टिंग में सल्फोनामाइड हमें ऐड करना है, मींस कौन सा सल्फोनामाइड? सल्फा मेथोक्साजोल. एंड देन नेक्स्ट वन इज अ ट्राइमेथोफ्रीम. कॉम्बिनेशन ड्रग है ना, मल्टीपल ड्रग थेरेपी में यूज किया जाता है. सो 2 एंजाइम इट सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ 2 एंजाइम्स. फर्स्ट वन इज अ फोलेट सिंथेटेज एंड सेकंड वन इज अ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, दैट मींस सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोफ्रीम. ओके, विद सल्फोनामाइड सल्फा मेथोक्साजोल, सो इट फॉर्म tetrahydrofolic acid. So this is the basic mechanism of action of cotrimoxazole. Exam mein separately question aa sakta hai aapko, give the mechanism of action of cotrimoxazole. Clear? So simple image hai yahan pe, iska screenshot nikal ke aap rakh sakte ho. The next point is a sulfamethoxazole inhibits the synthesis of dihydrofolic acid from the PABA. ओके, अब सल्फामेथॉक्साजोल का मेन रोल क्या है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में? इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ डाईहाइड्रोफोलिक एसिड फ्रॉम द पाबा, जो भी हमने ट्री डायग्राम देखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का. ओके, सो सल्फामेथॉक्साजोल इज इनहिबिट, सल्फामेथॉक्साजोल ये वाला इनहिबिट करेगा सिंथेसिस ऑफ डाईहाइड्रोफोलिक एसिड फ्रॉम द पाबा, मीन्स पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड.
ये सिंथेसिस नहीं होने देता है, मीन्स फोलेट सिंथेटिस एंजाइम को इनहिबिट करता है सल्फोनामाइड. क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट अ मिनट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ट्राइमेथोप्रिम इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंड प्रिवेंट द टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फ्रॉम द डाइहाइड्रोफोलिक एसिड. अब ये कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कोट्राइमेक्साजोल. फर्स्ट तो हमने देखा सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम के साथ दिया जाता है, मीन्स थ्री ड्रग दिए जाते हैं, राइट? बट सल्फामेथोक्साजोल का मेन रोल क्या है? इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेसिस फ्रॉम द पाबा. नाउ सेकेंड, ट्राइमेथोप्रिम का क्या रोल है? इट इज इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ये वाला टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड फ्रॉम द डाइहाइड्रोफोलिक एसिड. दैट मीन्स ट्राइमेथोप्रिम इनहिबिट्स द डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम. क्लियर? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम. ओके, ये एंजाइम फॉर्म होने नहीं देता है, मीन्स टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथिसाइज होने से इनहिबिट करता है ट्राइमेथोप्रिम. क्लियर? मीन्स जो भी उसका बैक्टीरियल एक्शन है वो इनहिबिट करता है विद ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल. देन नेक्स्ट पॉइंट, हेंस एनहांस द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी हैज बीन सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम इज यूज्ड टुगेदर. अब जो भी मल्टीपल ड्रग थेरेपी है, ओके, उसमें एक कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कोट्राइमेक्साजोल. सो इजीली सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम का मेन रोल है फॉर द इनहिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट एंड टेट्राहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज एंजाइम. क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ यूजेस ऑफ कोट्राइमेक्साजोल. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है सल्फोनामाइड का. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, कोट्राइमेक्साजोल इज मेनली यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ UTI, मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. जो भी यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कोई इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन इट इनहिबिट्स, सॉरी, इट इन द ट्रीटमेंट ऑफ UTI एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट गिव्स द कोट्राइमेक्साजोल फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी और एक्शन. ओके, so it is a important drug for the exam point of view. The next point, official preparation. Official preparation means कौन कौन से किस type के preparations है. okay, so इसका injection है, British Pharmacopoeia formulated है, कोट्राइमेक्साजोल का tablet भी है, and then dispersible कोट्राइमेक्साजोल tablet British Pharmacopoeia formulated है. clear? so this is the official preparations. then main uses, mechanism of action. So this is the tree diagram of mechanism of action, then structure of cotrimoxazole. Clear? So इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू.